हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे फ्राइड राइस, चिंग्स फ्राइड राइस मसाले से, और वो भी लेफ्ट ओवर राइस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ओवर राइस है और उसके साथ हम शेयर बनाएंगे चिंग्स ही मसाला यूज़ करके। तो हमने मसाला लिया है, उससे बनाए हैं चावल और देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने टेम्पटिंग। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए वेजीज जो लगेंगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दो अनियन ली हैं, एक बड़ी ली है मीडियम साइज़ की और एक छोटी सी ले ली है। और यहाँ पे दो कैप्सिकम ली हैं, एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्चें और पत्ता गोभी लिया है। और इन सबको हम बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे टमाटर और मिर्चें ऑप्शनल है, तो चलिए पहले चॉप कर लेते हैं वेजीज, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने चॉप कर लिया है पत्ता गोभी को और आधी पत्ता गोभी लिए हैं हमने। प्याज को भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च और टमाटर और ये शिमला मिर्च और टमाटर भी कर लिए हैं। तो ये रहे टमाटर, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं लेफ्ट ओवर राइस। तो जब चावल आपके बच जाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, दो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चावल बच जाते हैं, रोज़ रोज़ फेंकना भी नहीं अच्छा लगता है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, वो भी चिंग्स फ्राइड राइस मसाले से। तो यहाँ पे चावल ले लिए हैं जो कि पहले से कुक्ड हैं और लेफ्ट ओवर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख दी है यहाँ पे। अब सबसे पहले डालेंगे ऑयल, ऑयल ऐड कर दिया है। तो हमने आधा बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है इसमें और गरम कर लेते हैं ऑयल को। और यहाँ ऑयल गरम हो गया है तो सबसे पहले हम ऑयल में अनियन डाल देंगे और अच्छे से सॉटे करेंगे। और यहाँ पे सारी वेजीज हम एक साथ ही डाल देंगे और ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है, बस हमें इसकी क्रंचीनेस रखनी है, इतना ही कुक होना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे हमने। और कैबेज भी ऐड कर देते हैं। सारी वेजीज को हमें बस 2 मिनट तक ही कुक करना है, 1 से 2 मिनट तक। टमाटर भी डाल दिए हैं और बस इसे सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम राइस ऐड करेंगे और इतना ही कुक करना है कि सारी वेजीज हमारी अच्छे से क्रंची रहे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है बस। तो 2 मिनट तक ही हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। और 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही कुक कर रखे हैं, और या फिर बचे हुए चावल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट ओवर राइस लिए हैं और इसको हमने अच्छे से डाल देते हैं। चावल डाल दिए हैं, चावलों को ऐसे करके मिक्स कर देंगे और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है वजीज। इसमें चिंग्स मसाला डाल देंगे और इसमें नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पहले ही ऐड होता है मसाला सारा। तो यहाँ पर चिंग्स का मसाला पूरा पैकेट एक हमने डाल दिया है। ये वाला हमने चिंग्स मसाला लिया था और इसकी बहुत ही रेसिपी वायरल हो रही है, तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं। तो आप अगर आप सॉसेस डालना चाहते हैं तो आप डालिए, वरना ऐसे भी कुक कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तो 1 टेबलस्पून हम विनेगर डाल देंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली हम डाल देते हैं और थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली भी डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर बस 1 मिनट तक पकाना है और फिर बस सर्व करेंगे। मिनट के लिए इसको ढक देते हैं और फिर सर्व करते हैं। यहाँ पे हमने सर्व कर दिया है और देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग से बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, झटपट से बन जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे बनाने में। बस वेजीज काटिए चॉपर में और फटाफट से कुक करिए और बस बन गए ये। और अगर आपको दूसरी तरह की रेसिपी भी चाहिए वो भी शेयर कर सकते हैं। इसमें हमने सोया सॉस नहीं डाला है और बाकी तो इसमें सॉसेस में नहीं डालते, सिर्फ शेजवान राइस मसाला ही डलता है, पर हमने डाल दिया है ताकि थोड़ा और अच्छा टेस्ट है और खाने में भी और लजीज लगेंगे। और इस तरह से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और आप फूड को भी बचा सकते हैं इस तरह से, और चावल फेंकेंगे भी नहीं और आपके चावल यूज़ में भी आ जाएंगे। और लेफ्ट ओवर राइस को इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बनाना। और अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।